दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका MGV स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित हैं, और आज की हमारी जो सीरीज ये संख्या 12 नंबर सीरीज है। और आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के टोटल MCQ टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों बात कर रहे हैं, ये टोटल हमारे पास MCQ टाइप के 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, और जो CBT बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर पेपर तक डिपेंड होता है कि पेपर बनने से पहले दिन का भी करंट अफेयर हो सकता है उसमें। तो दोस्तों सामान्य ज्ञान के इन 20 क्वेश्चनों के साथ में और CBT बेस्ड में, तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी करें। और हमारी जो DMRC बेस्ड सीरीज चल रही है, तो बात कर लेते हैं हम GK क्वेश्चन की। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट में 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसका, और ये लखनऊ में किया जाएगा 11वां डिफेंस एक्सपो 2020, और ये लगभग कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ये 5 फरवरी से 9 फरवरी तक, तो लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। और 11वां है डिफेंस एक्सपो 2020 जो लखनऊ में है, ये 5 से 9 फरवरी 2020 में किया गया है और ये कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्वेश्चन सेकंड में आपसे कहा जा रहा है कि विश्व कैंसर दिवस 2020 की मुख्य थीम क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं विश्व कैंसर दिवस 2020 की मुख्य थीम है आई एम एंड आई विल, मैं आई एम एंड आई विल, मैं हूं और मैं रहूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन घन फुट, यहाँ पे गए है घन फुट प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे 80 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। ये संयुक्त अरब अमीरात देश है जहाँ पर इसका भंडार प्राप्त है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन फोर में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम यानी कौन से अधिनियम के तहत राज्यों को 4 सप्ताह के भीतर ग्राम न्यायालय की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। तो ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और राज्यों को निर्देश दिया है कि ग्राम न्यायालय की स्थापना करनी है। तो ये है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत, जिसके तहत राज्यों को 4 सप्ताह के अंतर्गत इसकी स्थापना करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं के शिकायतों के निवारण के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो अब जो श्रमिक और रोजगार प्रदाता है उनके शिकायत का निवारण करने के लिए ये संतुष्ट पोर्टल शुरू किया गया है। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन सिक्स में आपसे कहा जा रहा है कि किस बैंक ने IBOX नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी शुरू की है। तो ये सेल्फ सर्विस है IBOX, और ये ICICI बैंक ने स्टार्ट की है। तो ICICI बैंक ने स्टार्ट की है IBOX और सेल्फ सर्विस डिलीवरी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर सेवन, और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन सेवन की। क्वेश्चन सेवन में ITF टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल वर्ग का खिताब किस भारतीय ने जीता। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2020 में जो ITF टूर्नामेंट हुआ था, और ये है अंकित रैना जिसने भारतीय को जो एकल महिला के रूप में ये खिताब अपने नाम कर लिया है।
और ये इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ था, इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ था ITF का। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, बाप्टा फिल्म अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला है? तो हम बात कर रहे हैं बाप्टा फिल्म की और ये मिला है जोकिन फिनिक्स को। जोकिन फिनिक्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये 73वें पुरस्कार जो कि इसमें बाप्टा में थे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन 9 में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन 9, किसे द बैंकर मैगजीन एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर 2020 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे द बैंकर मैगजीन और जो एशिया रीजन का ये सेंट्रल पुरस्कार जो 2020 के ईयर का है और इसके लिए चुना गया है शशिकांत दास को। और शशिकांत दास ये RBI के गवर्नर है, RBI के गवर्नर है। और RBI की जो स्थापना हुई थी, RBI की स्थापना, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और RBI का मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। और जो शशिकांत दास है, इन्होंने अरिजीत पटेल की जगह ली है, या हम कह सकते हैं कि अरिजीत पटेल के पदभार के बाद में इन्होंने कार्यभार संभाला है। और इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास मतला, तटीय सुरक्षा अभ्यास जो मतला अभियान है का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये कोलकाता शहर में किया जा रहा है। और इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो ये मतला अभियान है, जो तटीय सुरक्षा, तो इसका उद्देश्य तटीय समुदायों से बात करके और तटीय सुरक्षा को बढ़ाना है। और इस अभ्यास के तहत मतला नदी से सुंदर वन क्षेत्र से हेमनगर तक नौसेना को रवाना किया गया। मतला नदी से लेकर के सुंदर वन क्षेत्र तक नौसेना को रवाना किया गया है। और इसी के साथ में हम थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे इस क्वेश्चन पे कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाई जाती है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाई जाती है। और भारतीय जो नौसेना है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नौसेना का जो अध्यक्ष होता है उसको एडमिरल कहते हैं, एडमिरल कहा जाता है। नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है। और वर्तमान में ये है करमबीर सिंह, करमबीर सिंह जो नौसेना के अध्यक्ष है। और नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है। थल सेना के अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है, जनरल कहा जाता है। और थल सेना के वर्तमान जो जनरल है ये है मुकुंद नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। और अब हम बात करते हैं आगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत है, जिसको अभी पीछे 31 दिसंबर को नियुक्त किया गया है। और चलते हैं हम बात कर लेते हैं साथ में वायुसेना की भी। और वायुसेना के अध्यक्ष को मार्शल कहा जाता है, वायुसेना के अध्यक्ष को मार्शल कहा जाता है, एयर मार्शल कहा जाता है। और ये जो है RKS भदौरिया है, जो वायुसेना के जो अध्यक्ष है इसको एयर मार्शल कहा जाता है, ये RKS भदौरिया है। और
चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपसे कहा जा रहा है कि विशाल रक्षा प्रदर्शनी डिफेक्सो का 11वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया। तो यह लखनऊ में है और ऊपर आपने बात की थी 5 फरवरी से 9 फरवरी तक। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 में, हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। तो अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य है, और ये है हमारा मालदीव। मालदीव है, ये राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य है। मालदीव की जो राजधानी है ये माले है, और 1982 में जो कि सदस्य था ये मालदीव, 1982 तक जो राष्ट्रमंडल का सदस्य था, लेकिन 2016 में ये राष्ट्रमंडल के सदस्यते अलग हो गया था। और जो मालदीव है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, और मालदीव की जो मुद्रा है ये मालदीव रूफिया है, और मालदीव का जो राष्ट्रपति है वो इब्राहिम मोहम्मद है। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 में आपके से कहा जा रहा है कि गोल्डन गर्ल चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया। गोल्डन गर्ल चैंपियनशिप का जो कि स्वीडन में किया गया था। और अब हम बात करेंगे भारत की जूनियर और युवा मुक्केबाज ने स्वीडन के बोरास, स्वीडन के बोरास, स्वीडन के बोरास में खेला खेली गई इस गोल्डन चैंपियन में 6 स्वर्ण पदक जीतने के साथ, इसने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं और कुल स्वर्ण पदक की संख्या 14 हो गई, और सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपसे कहा जा रहा है कि भारत, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शोध एवं उच्च शिक्षा सेवक को मजबूत बनाने के लिए 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भारत ने अपने शोध एवं उच्च शिक्षा के मजबूत करने के लिए और 4 ऐसे समझौते किए हैं, और वो समझौते किस देश के साथ किए हैं। तो ये देश है नॉर्वे, नॉर्वे के साथ भारत ने समझौते किए हैं 4। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में, हाल ही में किसने छोटे कारोबारियों के लिए एंड्रॉयड डिवाइस लॉन्च किया है। तो ये जो छोटे कारोबारियों के लिए, ये पेटीएम है जिन्होंने छोटे कारोबारियों के लिए जो एक एंड्रॉयड डिवाइस लॉन्च की है, और जो पेटीएम की स्थापना है ये 2010 में हुई थी, और जो पेटीएम का मुख्यालय है ये मुख्यालय ये इसका नोएडा में है। पेटीएम का जो मुख्यालय है ये नोएडा में है, और नोएडा उत्तर प्रदेश, और इसका जो पेटीएम का अध्यक्ष है ये विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम का जो अध्यक्ष है विजय शेखर शर्मा है, और पोस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट और यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जाएगा। और इसी के साथ में हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में आपसे कहा जा रहा है कि संतुष्ट पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है। तो संतुष्ट पोर्टल का मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। इसमें श्रमिकों एवं रोजगार प्रदाताओं के बीच में किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो उसको निपटारा करने के लिए ये पोर्टल बना है। और अब हम बात करेंगे कि इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। और इसके जो मंत्री है, या हम कह सकते हैं इसके अध्यक्ष है, तो ये अध्यक्ष है इसके संतोष गंगवार, संतोष गंगवार इसके अध्यक्ष है।
और चलते हैं हम इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में हाल ही में सीबीआईसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआईसी के नए अध्यक्ष है वो एम अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। एम अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है और ये है सी बी सी का सेंट्रल, बी का बोर्ड ऑफ इंडियन कस्टम्स। तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष है वो एम अजीत कुमार है। और इसमें जीएसटी उत्पाद सेवा कर आदि की संचालन की जिम्मेवारी है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में हाल ही में भारत के सबसे बड़े ग्रामीण तकनीकी उत्सव ANTEHPRAGNA 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये भारत का सबसे बड़ा तकनीकी उत्सव है और इसका तेलंगाना में किया गया है, तेलंगाना में। और अब हम बात करेंगे कि इसका आयोजन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी में किया गया है और तेलंगाना राज्य की स्थापना, तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी, तेलंगाना राज्य। और तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो हैदराबाद है, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। और तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है वो चंद्रशेखर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में भारत में 81वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 81वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन में और 2020 के इस चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब हरमीत देसाई ने अपने नाम किया है, या हरमीत देसाई ने ये प्राप्त किया है। और हरमीत देसाई ने मानव ठक्कर को हरा करके ये अपने नाम किया है। मानव ठक्कर इसका प्रतिद्वंदी था हरमीत देसाई का, जिसको हरा करके ये खिताब 81वां अपने नाम कर लिया हरमीत देसाई ने। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने क्वेश्चन 20। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया है? तो ये है केरल राज्य, जिसने कोरोना को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। और केरल में 3 कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि की गई है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। और चलते हैं इसी के साथ में, आज के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे YouTube चैनल पे और लाइक शेयर करते रहें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।